एक विचारशील महिला राक्षसों के साथ सोती है। वह जिस चोंच से उसे टोंगती है वही बन जाती है। भूलिएगा मत, जब एक महिला सच बोलती है तो वह अपने आसपास और अधिक सच्चाई की संभावना पैदा कर रही होती है। और फिर उन्होंने स्वयं से संबंधित सबसे बड़ा सच स्वीकारा। जीवन के एक मोड़ पर 3 बच्चों की मां ने स्वीकारा कि उनका झुकाव समलैंगिकता की ओर है। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में हम बात कर रहे हैं अमेरिकी कवित्री एड्रिएन रिच की, जिन्हें 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कवित्री लेखक माना जाता है। वे उन चुनिंदा लेखकों में से थी जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से महिलाओं और समलैंगिकों के उत्पीड़न को समाज के सामने रखा था। उन्होंने लेस्बियन कॉन्टिनम को गढ़ा, जिसके जरिए समाज में जागरूकता की अलग जगाई। एड्रिएन की माँ हेलेन एलिजाबेथ क्रिश्चियन थी और पिता अर्नोल्ड शावल रिच यहूदी, जिनकी परवरिश ईसाई धर्म के अंतर्गत हुई। लेकिन पिता का उनके व्यक्तित्व पर खासा प्रभाव था और पिता ने एड्रिएन को समझाया कि वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हैं। साहित्य में उनकी रुचि पिता की अमूल्य किताबों के संग्रह को देखकर ही जागी थी। पिता के पुस्तकालय में उन्होंने हेनरिक इब्सन, ब्लैंक, कीट्स, डांटे गैब्रियल, टेनिसन जैसे लेखकों की किताबों को पढ़ा, दुनिया को अलग नजरिए से देखने और जानने की कोशिश की, फिर अपनी सोच को शब्दों का जामा पहनाया। 1953 में रिच ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अल्फ्रेड हॉस्किन कॉनराड से शादी की। अपनी शादी के बारे में वे अक्सर कहा करती थी कि मैंने आंशिक रूप से शादी की क्योंकि मुझे अपने पहले परिवार से अलग होने का इससे बेहतर तरीका नहीं पता था। मैं पूर्ण महिला के रूप में जीवन को देखना, समझना, जीना चाहती थी। वे यहूदी धर्म के जीवन को भी निकट से देखना जीना चाहती थी। एड्रिएन ने अपने जीवन में 2 दर्जन से अधिक कविताओं और आधा दर्जन से अधिक गद्य की किताबें लिखी। 1960 के दशक में उनके प्रकाशक W.W. नॉर्टन एंड कंपनी के अनुसार अकेले कविताओं की किताबों की 800,000 प्रतियां बिक चुकी थी। उनकी पहली किताब अ चेंज ऑफ वर्ल्ड थी, जिसके बाद द डायमंड कटर एंड अदर पोएम, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, द विल टू चेंज पोएम, The Dream of Common Language, Your Native Land, Your Life, Tonight No Poetry Will Serve, आदि हैं। उनकी सबसे चर्चित काव्य संग्रह Driving Into Break है। संग्रह में कविताओं में उन्होंने अपनी आत्मखोज भी की और नारीवाद से संबंधित भी काफी कुछ उकेरा। इसके अलावा Of Women Born, Motherhood as Experience and Institution को भी बेहद सराहा गया था। एड्रिएन अपने आप में एक बेमिसाल महिला थी, जिन्हें क्रिश्चियन धर्म के अनुसार पाला गया। पिता के यहूदी धर्म को करीब से समझने के लिए उन्होंने यहूदी व्यक्ति से शादी की, 3 बेटों को जन्म दिया, रोज जीवन में नए सोपान चढ़ती रहीं और अंत में प्रखर नारीवादी और मानवीय अधिकारों की प्रवक्ता बनी और नई पीढ़ी को सही राह दिखाई।